नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुजला वायरल में। सुजला वायरल की इस खास श्रृंखला में जिसमें हम आपको करवाएंगे सुजला के ग्राम, नगर और मुख्य स्थानों की सैर। आज हम चलेंगे मीठड़ी और करेंगे मीठड़ी की सैर। दोस्तों, मीठड़ी भारत के राजस्थान राज्य के नागौर जिले की लाडनू तहसील का एक गाँव है, जो कि लाडनू से 29 किलोमीटर और नागौर से 120 और जयपुर से 155 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मीठड़ी का पिन कोड है 34-13-03। पोस्टल हेड ऑफिस है डीडवाना में। आसपास में रिंगन, झावा, रोडू, दयालपुरा, सारडी ये गांव स्थित है। आसपास की सिटी की बात करें तो सुजानगढ़, लोसल, लाडनू, लक्ष्मणगढ़ यहां के आसपास की सिटी है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर अगर बात करें तो कुल जनसंख्या 3906 है। 611 यहाँ पर कुल परिवार हैं। टोटल लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर यहाँ पर 64.6% है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के लोग मिलजुल कर रहते हैं। लगभग 30% लोग यहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन है। दोस्तों, मीठड़ी गांव के क्षेत्रफल की बात करें तो करीब 1055 हेक्टेयर इस गांव का क्षेत्रफल है। साथ ही साथ यहां पर करीब 4 स्कूल हैं। यहां पर मंदिर और मस्जिद भी स्थित है। इसके साथ साथ दोस्तों बात करते हैं अगर अपन इसके इतिहास की। दोस्तों, मीठड़ी गांव का इतिहास मीठे पानी के कारण जाना जाता है। दरअसल बात है 700 ईसा पूर्व की, जब यह मीठड़ी गांव नहीं हुआ करता था। यहाँ पर सिर्फ एक तालाब हुआ करता था जो मीठे पानी से, बारिश के पानी से पूरी तरह लबालब रहता था। दोस्तों, इस तालाब को पिपरानी नदी या पिपाली नदी के नाम से जानते थे। दोस्तों, यह स्थान दरअसल दो रियासतों के बीच का एक स्थान था जहाँ पर मीठे पानी का तालाब था। यह मारवाड़ यानी जोधपुर और जयपुर रियासतों को जोड़ता था। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर सीकर था, जो शेखावाटी सब स्टेट का एक हिस्सा था। तो दोस्तों, दो राज्यों के बीच में होने के कारण और मीठे पानी का यहाँ पर स्रोत होने के कारण जो भी लोग इस रास्ते से सफ़र करते थे, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे बंजारे हो, चाहे आर्मी मैन हो या चाहे आम आदमी हो, वो इस स्थान पर ज़रूर रुकते थे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें मीठे पानी का स्रोत मिलता था और रहने के लिए उत्तम व्यवस्था और क्या होती है। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर लोग आने जाने वाले लोग रुकने लगे, लोगों को पशुओं के लिए पानी मिलने लगा। इसी के कारण इस जगह को मीठड़ी यानी मीठे पानी का स्रोत के रूप में जानने लगे। इसीलिए महाराजा जोधपुर ने यहाँ पर एक पुलिस हेड ऑफिस की स्थापना की, क्योंकि यह दो राज्यों के बीच का ट्रांजिट पॉइंट था, तो यहाँ पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया था। दोस्तों, इसके अलावा भी मीठड़ी को बनियों का शहर कहा जाता था। यहाँ पर अग्रवाल जो बनिए लोग हैं, उन्होंने काफ़ी विकास के काम करवाए हैं। यहाँ पे काफ़ी धनवान अग्रवाल परिवार भी रहते थे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें सभी सुजलांचल वासियों के साथ, सभी के साथ, ताकि वो जान सके मीठड़ी गांव का क्या है इतिहास, वर्तमान और भूगोल। और आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार के वीडियो बनाते रहें तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, घंटे के निशान को ज़रूर दबाएं, साथ ही साथ लाइक करें हमारा फेसबुक पेज और जुड़े हमसे इंस्टाग्राम पर भी। तो चलिए अब बात करते हैं मीठड़ी के कुछ निवासियों से। नमस्कार दोस्तों, सुजला वायरल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैठे हैं मीठड़ी गांव में, उसके मेन बाज़ार के अंदर हम बैठे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे मीठड़ी गांव का इतिहास, वर्तमान और इसका भूगोल। सबसे पहले आपका स्वागत है सुजला वायरल में। आपका परिचय? महेश शर्मा। मेरा नाम चतुर्भुज शर्मा। चतुर्भुज जी और महेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानेंगे मीठड़ी गांव का कुछ इतिहास और वर्तमान में यह कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे यह मीठड़ी गांव किस प्रकार से फैला हुआ है, क्या जनसंख्या स्थिति है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि इसका इतिहास कितना साल पुराना गांव है, इसका नाम मीठड़ी क्यों पड़ा और इसको किसने बसाया, और ये मुख्य रूप से यहाँ पर कौन से समुदाय के लोग रहते थे? बसावट तो कम से कम 500 साल पहले की, सभी समुदाय के लोग रहते, मुस्लिम समुदाय भी है, हिंदू में भी सभी जातियाँ हैं,
जोधपुर। और इसका नाम मीठली पड़ने के पीछे कुछ रोचक तथ्य है। हमारे पुराने आदमी बताते हैं बुजुर्ग कि यहाँ मीठड़ी गांव में मीठड़ा है, पूरा गांव है, इसमें मीठा पानी निकलता था, जमीन से मीठा पानी हमारे चारों तरफ है, छोटी छोटी बेरियाँ है, पहले इसमें मीठा पानी निकलता था, ये मीठा है, इसके नाम से इसका नाम गाँव का नाम। जमीन से मीठा पानी निकला और गाँव का नाम हो गया मीठड़ी। अब जानते हैं इसके वर्तमान के बारे में, तो बताइए इसकी जनसंख्या लगभग कितनी है और इसका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से फैलाव कितना है उसके बारे में कुछ बताइए। ये इनकी जनसंख्या लगभग 8000 के लगभग है और सभी समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, मुस्लिम भी है, अनुसूचित जनजाति के हैं, मेघवाल ब्राह्मण जाति है, सब मतलब इसमें है। और ये पहले बनियों का गाँव बोलते थे इसको, बनियों का गाँव, ये बने लोग यहाँ से अपने विदेश चले गए, यहाँ से बम्बई वगैरह अपने धंधा है वहीं रहते हैं, लेकिन मीठड़ी ये गांव है तो सबसे मतलब बीच में है, सेंटर में है। यहाँ तीनों जिला सीकर, नागौर और चूरू, तीनों जिलों पे बॉर्डर पे ये है, नागौर का लास्ट गांव यही है। तो तीन जिले लगते हैं इसके, सीकर, चूरू और नागौर। इसके साथ एक खास बात है कि यहाँ पर लगभग प्रवासी लोगों का यहाँ पर घर है, जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो लगभग बाहर प्रवासी रहते हैं, इसलिए यहाँ पर वोटर की संख्या लगभग 3500 के आसपास है, क्योंकि लगभग यहाँ के जो मूल निवासी वो बाहर ही रहते हैं और बाहर ही उनका जीवन यापन होता है। और इसके अलावा आप बताइए यहाँ पे कि कितने शिक्षण संस्थान हैं, कितने मंदिर मस्जिद धार्मिक स्थलों के बारे में कुछ बताइए। यहाँ तीन तो प्राइवेट स्कूलें हैं और दो ही सरकारी स्कूलें हैं, और धार्मिक यहाँ दो मंदिर है, एक मस्जिद है धार्मिक। तो यहाँ पे जिस प्रकार से हमने देखा, उसके अलावा हम पूछते हैं यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के हॉस्पिटल या ग्राम पंचायत वगैरह उसके बारे में थोड़ा बताइए। ग्राम पंचायत इसका मीठड़ी लगता है या और क्या उसके बारे में बताइए। मीठड़ी खुद ही ग्राम पंचायत, मीठड़ी ग्राम पंचायत है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या क्या हॉस्पिटल बना हुआ है, स्वास्थ्य की दृष्टि से हॉस्पिटल है और यहाँ पे एक खुद की ग्राम पंचायत मीठड़ी है। तो आप बताइए अब जैसे मीठड़ी ग्राम के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बताइए, यहाँ कौन सा थाना लगता है और इसकी जो अन्य व्यवस्थाएं, जलापूर्ति की व्यवस्थाओं के बारे में कुछ बताइए। स्वास्थ्य सेवा के हिसाब से अस्पताल बना हुआ है, CHC सेंटर भी है, स्टाफ की कुछ कमी रहती है, और थाना हमारा जसवंतगढ़ लगता है, मीठड़ी खुद पुलिस चौकी है, मीठड़ी में पुलिस चौकी है और थाना लगता है मीठड़ी में जसवंतगढ़ का। तो आप जानते हैं मीठड़ी पंचायत का विस्तार कितना है, इसमें कौन कौन से काम आते हैं उसके बारे में आप कुछ बताइए। एक तो मीठड़ी खुद है ही, एक टिलोटी और रेवाड़ा और डोबरा, यही गांव आते हैं मीठड़ी। तो इसमें चार गांवों की मिलाकर एक पंचायत है, यहां पे पुलिस चौकी है, थाना लगता है यहां पे जसवंतगढ़ का, तहसील है यहां की लाडनू। और हमने देखा मीठड़ी के बारे में, काफ़ी संपन्न गांव है मीठड़ी। सुजला क्षेत्र की ऐसी खबरें पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। सुजला क्षेत्र के इस खास कवरेज में जहाँ हम सुजला क्षेत्र के सभी गांव, कस्बे और स्थानों का वीडियो बनाकर आपके सामने लाएंगे डॉक्यूमेंट्री के रूप में, इसी श्रृंखला में जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक करें हमारा फेसबुक पेज, जुड़े हमसे इंस्टाग्राम पे, या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.sujlaviral.com। धन्यवाद दोस्तों। पेट्रियन पे जाके न्यूनतम मासिक शुल्क में बने सुजला वायरल के सदस्य, पाएं हिस्सा सुजला वायरल के वीडियो में, अपने सुझावों पर वीडियो बनवाने के लिए हमारे बने एक्सक्लूसिव मेंबर। तब तक के लिए जुड़े रहिए सुजला वायरल से। धन्यवाद।